क्रिसमस कार्निवल चल रहा है एंड यू कैन सी हम लोगों को जाना था इवेंट, जो आप लोगों को पता है इवेंट के लिए निकले तो लेकिन इवेंट गए ही नहीं बिकॉज मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम आ गया और 3.5 आवर का ट्रैवल टाइम दिखा रहा था गूगल में, तो हमने कैंसिल कर दिया इवेंट और मेरा काम जो था वो ज़रूरी था तो वो हमने कर लिया। अभी हम आए हैं शॉपिंग करने, ज़ारा में हमने शॉपिंग कर लिया है थोड़ा सा क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए। और यहाँ से जब गुजर रहे थे तो मैं आई बाथ एंड बॉडी वर्क्स, आपको पता है ना बाथ एंड बॉडी वर्क्स कैंडल्स आर माई वीकनेस और यहाँ पे सेल चल रहा है एंड आप कौन क्रेजी क्या उठाओ क्या नहीं, बाय टू गेट टू कैंडल्स है 3,000 का एक कैंडल, इसमें फ्री है एक। सो हमने ऑलरेडी इतने सारे चूज़ कर लिया है और बाकी जो सिग्नेचर कैंडल्स है वो 2,200 का है, यूजुअली वो 3,500 का है। हम लोग ने 10-12 कैंडल्स चूज़ कर लिया है ऑलरेडी। ये आप देख सकते हैं बाय टू गेट टू है, इनके पैकेजिंग देखिए गाइस कितने सुंदर हैं, पैकेजिंग्स आर सो प्रिटी सी, ऑल क्रिसमस थीम पैकेज, ये सारे क्रिसमस थीम पैकेजिंग हैं एंड ऑल ऑफ देम स्मेल सो गुड कि हम सोच रहे हैं कि क्या ले क्या ही नहीं। यहाँ पे भी है ये सब कैंडल्स भी बाय टू गेट टू है, हमने ये तो पिक किया ही है एक, स्मेल्स अमेजिंग, इनके पैकेजिंग्स आर लाइक ऑसम, सारे क्रिसमस थीम पैकेजिंग है, दिस आर सो एस्थेटिक, रियली प्रिटी वंस एंड द स्मेल अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, क्या खुशबू है तो ये हो गया हम लोगों का शॉपिंग। बेबी कितने कैंडल्स खरीदे? वी कांट स्टॉप, 8 पे रुका था उसके बाद 2 और ले लिए, 10 करे, मैंने लगा कि राउंड ऑफ नंबर 10 अच्छा लगता है 10 लिए, बट लेटली दीज कैंडल्स हैव एडेड अ लॉट ऑफ यू नो कामनेस, हम लोग हर रोज बच्चा जब मैं काम करने बैठता हूँ तब भी मैं लगा लेता हूँ, सो इट एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ पीस। ये हमारे ऑर्डर है, मतलब आधे तो पैक हो चुके हैं, आधे पैकिंग चल रहा है। आई लव दिस पेपर्स, इनके ब्रांडिंग पेपर इतने अच्छे लगते हैं। टू गेट टू तो हमने खरीद ही लिए है, प्लस यहाँ से मेरे जो फेवरेट सिग्नेचर कैंडल्स है, इन टू द नाइट इज़ माई फेवरेट, डार्क किस ऑलरेडी है मेरे पास, स्ट्रेस रिलीफ इज़ ऑल्सो देयर सिग्नेचर एंड आई ऑलरेडी हैव वन, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेस रिलीफ है, पर ऑलरेडी 12 कैंडल्स हो चुके हैं तो और क्या खरीदूँ, और नहीं खरीद रही हूँ मैं। इतना भारी है ये, इट्स हेवी, सारी कैंडल एक में आ गया, हाँ 12 लिया ना, दो बैग लिए हुए हैं, दो बैग है। क्रिसमस का कितना अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है, क्रिसमस के लिए अगर शॉपिंग नहीं किया तो क्रिसमस जैसा लगता ही नहीं, सो प्रिटी इंडीड, काफी फेस्टिव वाइब है, काफी
और एवरी थिंग इज़ लाइक ग्लिटर्ड रेड और वाइट के कॉम्बिनेशन के अंदर है. देवश्री और मैं आज ट्यूनिंग इन, हम दोनों ने वाइट पहना है आज. एंड वी डिड अ लॉट ऑफ हैवी शॉपिंग काइंड ऑफ थिंग. सो हम सोच के आए थे कि तो एक शर्ट रिटर्न करना था, और हम जब जा रहे हैं तो शर्ट से ज़्यादा हमने सामान खरीद लिया. सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, वो तो ठीक है. कैंडल्स ऑलरेडी घर में 12-15 कैंडल्स है, इतने सारे कैंडल्स खरीद लिए. खाना खाने जा रहे हैं, बहुत भूख लग रही है. कहाँ जाना है? ऊपर जाना है. ऊपर चलते हैं, कुछ खाते हैं. भूख लग रही है बहुत ज़्यादा. हमने खाना ऑर्डर कर लिया. हम लोग पिज़्ज़ा हट में आए हैं. देवश्री सिर्फ पिज़्ज़ा हट का ही पिज़्ज़ा प्रेफर करती है, अदरवाइज उसको घर में आया हुआ पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता है. सो दैट्स द ओनली प्लेस देवश्री एक्चुअली में अगर मीनी पिज़्ज़ा आता है उसमें 3 स्लाइस खा जाती है. तो जो ये 3 स्लाइस खा जाती है. अगर जो पिज़्ज़ा आता है ना वो बहुत सॉगी हो जाता है, उसके बाद 1 स्लाइस के बाद ही मारामारी चालू हो जाती है कि देवश्री प्लीज़ दूसरा खा ले, देवश्री प्लीज़ दूसरा स्लाइस भी खा ले. लेकिन यहाँ पे ये हो जाता है देवश्री तीसरा स्लाइस भी खाएगी तो. और 3 क्रस्ट मुझे अच्छा लगता है. एक बार हमने मैंने रेगुलर क्रस्ट मंगाया है. एक बार हमने थाईलैंड में खाया था, वो पिज़्ज़ा भी बहुत ही सही था. हमने वहाँ पे पिज़्ज़ेरिया वो वहाँ पे खाया था हमने. पिज़्ज़ेरिया 199 उनके आता है. बेसिकली आई एम नॉट अ फैन ऑफ पिज़्ज़ा, बट कभी कभी मुझे बहुत अच्छा भी लग जाता है. आज तो जिम में गया था, लेकिन देवेश ने बोला आज तुम्हारी एक्सरसाइज थोड़ी कम हुई है, मैं ज़्यादा कैंडल्स ले लेती हूँ. और उसके बाद हम एक कैंडल लेने गए थे. एक्चुअली में हम घर से निकले थे सिर्फ एक शर्ट को रिटर्न करने के लिए. और गॉड मैन, जारा की शॉपिंग 5 डिजिट में थी, कैंडल्स की शॉपिंग 5 डिजिट में थी, और ये जो टोटल सामान है उसकी स्टार्टिंग डिजिट 4 के ऊपर है. हमें 16,000 के सिर्फ कैंडल्स खरीदे. इतना टेम्पटिंग ऑफर था. एक्चुअली हुआ क्या, देवर्षि ने जब फर्स्ट टाइम कैंडल्स दे दी 10, तो उसको एक कैंडल 3,000 की पड़ी थी. आज एक कैंडल ऑफर चल रहा था, 1600 की एक कैंडल है. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पिछले 6-7 महीने से घर के अंदर कैंडल हमेशा, यू नो, इट सेट्स द राइट मूड इन द हाउस. तो हम क्या, पसंद आने लगा है, तो एंजॉयमेंट. जैसे मैं काम करने बैठता हूँ तो कैंडल लिट कर देता हूँ मैं. हम लोग वीकेंड पे चिल आउट करते हैं तो हम बाहर कैंडल लिट कर देते. तो हमारे क्या, घर में अलग अलग कोनों के अंदर अलग अलग कैंडल्स लगी हुई है मूड के हिसाब से. 16,000 के कैंडल, यूजुअली ना एक कैंडल 3,500 का होता है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का. तो आज ओके, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करें. देवश्री जब फर्स्ट टाइम कैंडल लेके आते ना, तो मैंने इसको कहा था कि देवश्री ये कैंडल का प्राइस है. तो मैंने कैंडल जो नॉर्मल साइज से कैंडल होता है उसको मैंने पलट के देखा, 2,999 का कैंडल था एक कैंडल. एंड उसको डिस्काउंट में मिला था कुछ 700-800 रुपये डिस्काउंट में. तो एक कैंडल 3,000 का रहती है. शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि हमें 900 का डिस्काउंट मिल गया. आज क्या था ना, आज प्राइस वही है 3,000, बट बाय टू गेट टू क्रिसमस कैंडल्स पे. और जो सिग्नेचर कैंडल्स है उसमें वो 3,500-4,000 तक का भी होता है. सिग्नेचर था सिग्नेचर कैंडल जब ये लाई थी, आज 2,100 का ही मिल रहा था सिग्नेचर कैंडल. उसका एक्चुअल प्राइस बोल रही हूँ मैं, एक्चुअल प्राइस वो 3,500-4,000 तक का भी होता है. डिफरेंट प्राइसेस रहता है, लेकिन आज वो 22 समथिंग आफ्टर डिस्काउंट 2,200 का था. उसका प्रिंटेड प्राइस था 2,799 और दूसरे वाले का था 2,899. तो लेकिन डिस्काउंट के बाद 2,199 का फ्लैट मिल रहा था. अगर ना कैंडल्स के दीवाने हैं जैसे मैं हूँ, आप अभी शॉपिंग कर लो बाद लग्जरी कैंडल्स. और उनकी स्मेल मालूम है कैसी थी, जैसे अपन शावर लेके बाहर निकलते थे एक हल्का सा मस्ती फ्रेग्रेंस, तो बहुत अच्छे से फ्रेग्रेंस. और ऐसा नहीं कि उसके बाद भी बहुत सारी. और ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को कैंडल का रिसेंटली क्रेज हुआ है. देवर्षि को पहले था, मैंने जब कैंडल जला के रखना चालू किया ना, कैंडल को बुझाने के बाद भी सुबह तक उस कमरे के अंदर जो स्मेल आती है ना, एक्चुअली गेट इनसाइड वो रेशोस के अंदर घुस जाती है. वो आपके कॉटन, आपके क्विल्ट, आपके क्या कहते हैं, आपके कपड़ों के वार्डरोब्स के अंदर, सबके अंदर उनकी हल्की हल्की स्मेल आने लग जाती है. मुझे ऐसा लगता है ब्रांड लोग जो सेल डालते हैं ना, उनका यही ट्रिक होता है कि लोग ज़्यादा खरीदते. जैसे नॉर्मल सेल नहीं होता तो हम जाते भी नहीं, एक भी शर्ट नहीं खरीदते ना. अभी सेल होता है तो हमने
एक भी खरीद लिया तो 3,000 का ही खर्च होता। और वो सेल के चक्कर में हम लोग इतना टेम्पटेड हो जाते हैं कि हम लोग जाते हैं। और फेस्टिव सीजन के दौरान अगर सेल मिलता है ना तो पीपल हैव द टेंडेंसी टू बाय ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन एंड व्हेन दे सी द सेल ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन इट बिकम मोर लाइकली कि हाँ आप खरीद सकते हो। बट आई डोंट रिग्रेट बिकॉज़ हम लोगों को बहुत पसंद है। मुझे हम रिग्रेट तो कभी नहीं करते, हम बस ये सोचते हैं कि क्या करने आए थे, क्या करके चले गए। मुझे तो शुरू से कैंडल बहुत ज़्यादा पसंद है, हम इसको तो बिल्कुल नहीं पसंद आने लग गया है। बट आई नो वी विल यूज देम, आई नो इट विल नॉट गो ऑन वेस्ट। सो ठीक है, 16,000 का कैंडल। ये यहाँ पे पिज़्ज़ा हट का ओरिगैनो बेस्ट होता है और डोमिनोज का ही बहुत है। और ये तो हेवन है, हेवन ओरिगैनो। थैंक यू, दैट्स अ पिज़्ज़ा। या प्लीज सर्व इट, परफेक्ट टाइम पे आए आप। वाइपिंग हॉट पिज़्ज़ा। थैंक यू। बहुत खा लिया है मैं, दो स्लाइस से कोई नहीं खाया। ये एंड में इतना इतना छोड़ देती है, ये देखो। ये तुमने ही सिखाया, तुमने छोड़ा। मैंने देखा कहाँ छोड़ा मैंने, पता घर में तो छोड़ते हो ना। घर में भी नहीं छोड़ता मैंने, आज देखो मैंने जो जो कहा व्लॉग करा सब मूव करा उसने। आज उन्होंने टीवी पे भी नहीं गए, दो के लिए भी नाटक कर रही थी आज। मैंने खाया बहुत अच्छे से खाया, बहुत अच्छे से खाया, झूठी।